काल में भारत पर एक और मुसीबत आ रही है। इस मुसीबत का नाम है एम्फन तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक इस चक्रवाती तूफान ने भीषण रूप ले लिया है। इसे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जा रहा है। अगले 4 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल और उड़ीसा के तटीय जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इस इलाके में 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान की रफ्तार बुधवार को बढ़कर 95 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। तूफान का केंद्र उड़ीसा के पारादीप से लगभग 870 किलोमीटर दक्षिण में है। मछुआरों को अगले 24 घंटे के लिए इन इलाकों में ना जाने की सख्त हिदायत भी दी गई है। हालांकि एनडीआरएफ लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के काम पर जुट गई है। एनडीआरएफ की 10 टीमों को ओडिशा और 7 को पश्चिम बंगाल भेजा गया है।